किस तरह रुखसत किया, हमारे लिए ये नमूना है, ये औलादों का हक है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा में जब उनके ज़िंदगी के मराहिल का आगाज़ होता है तो हमारे घरों के चौकटों से भी वो बच्चियाँ उसी सुन्नत के इत्तबा ही से रुखसत की जाएं। नमूना हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह ही को बनाएं। आपकी इस बेटी के निकाह का मराहिल के मराहिल कैसे तय हुए? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब निकाह की उम्र को पहुँचती हैं, बलूग की उम्र को पहुँचती हैं, तो निकाह के पैगाम हज़रत अली को उनकी एक कनीज़ ने या कुछ दोस्तों ने ये तजवीज़ दी कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत फ़ातिमा का हाथ मांगें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अली का हाजिर होना और ख़ामोश होकर निगाहें झुकाकर बैठे रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आपने पूछा, अली इतने ख़ामोश क्यों हो? हज़रत अली फिर ख़ामोश हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली बोलते क्यों नहीं? हज़रत अली फिर ख़ामोश हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, अली क्या फ़ातिमा का हाथ मांगने आए हो? हज़रत अली फिर ख़ामोश हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरार से पूछते हैं, अली फिर मांगते क्यों नहीं? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतनी माली हैसियत नहीं रखता, यदि मेरे पास इतना माल ही नहीं कि मैं उनको कैसे बसाऊंगा, कहाँ रखूंगा, मेरे पास घर ही नहीं, माल बिस्तर बोरियाँ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली वो ज़रा कहाँ गई जो मैंने तुम्हें माल गनीमत में से दी थी? हज़रत अली के पास वो ज़रा थी, उसको लाया गया, उसकी कीमत लगाई गई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन जो बाद में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बहनोई भी हैं, इन्होंने कीमत लगाई, 80 दिरहम इसकी कीमत लगाई गई। हज़रत अली को ये 80 दिरहम इसके इवज़ जब मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 यानी आधी रकम हज़रत अली को वलीमे की तैयारी के लिए दे दी और आधी रकम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक महर हो गया। इसी हक महर में से, इस ही हक महर में से, चूंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन के घर में ना माल है, ना बिस्तर है, ना बोरिया है, ना चक्की है, ना मशकीज़ा है, कुछ भी नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ही हक महर में से वो कुछ माल, वो चक्की, वो मशकीज़ा, वो खजूर की छाल का भरा हुआ तकी और वो गद्दा वगैरह जो है फराहम किया, और ये वही है जिसको जहेज़ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तसव्वुर किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस जिस्म के टुकड़े को जहेज़ देकर रुखसत नहीं किया था। ये जहन नशीन कर लीजिए कि ये जहेज नहीं था, ये वो माल जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हक महर की शक्ल में मिला था, उसमें से सामान लेकर उनके घर के सामान का की फराहमी का बंदोबस्त किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद नबी में पढ़वाते हैं। कुछ दिनों के बाद बेटी को एक लौंडी के हमरा रुखसत करके उनके शौहर के घर भेज दिया जाता है। याद रखिएगा, जन्नत की ख़वातीन की सरदार रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का टुकड़ा, आँखों की ठंडक, दिल की ठंडक, घर से रुखसत होती है, ना कोई बारात है, ना बाराती है, ना ढोल है, ना बाजे हैं, ना ताशे हैं, ना खाना है, ना गाना है, ना रोशनियां हैं, ना फूल हैं, ना जेवरात हैं, ना लिबास हैं। अकेली लौंडी के साथ ये इस घर की शहजादी रुखसत होके अपने शौहर के घर पहुंचा दी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ की अदायगी के बाद अपनी बेटी के घर तशरीफ़ ले जाते हैं। दोनों को यकजा बैठा देखकर पानी का प्याला मंगवाकर उसमें दस्ते मुबारक डालकर दोनों के ऊपर पानी के छींटे डालकर रहमत की दुआएं करके वापस पलट आते हैं। ये है वो नमूना जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के बापों और उम्मत के भाइयों के लिए रकम कर दिया, जहेज़ की लानत को वज़ा कर दिया, जहेज़ के तरीकों को बातिल साबित कर दिया।